हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं दानिश अहमद खान। हम निकल नए चैप्टर शुरू किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो मैंने आपको कल बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या आता है, 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वायर A is known as coefficient of x square, B is known as coefficient of x, and C is known as constant. C is known as constant. एक quadratic equation में B और C, B और C, ये zero हो सकते हैं, ये zero, लेकिन अगर A zero था, अगर A zero था, इसका मतलब है x square उसमें नहीं आएगा, x square उसमें नहीं आएगा। अगर किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, यानी वो वेरिएबल नहीं आएगा या वो टर्म नहीं आएगी जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता है। बात आई समझ में? शाबाश। इसका मतलब है ए जीरो नहीं हो सकता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि उसमें फिर एक्स ही नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, हमने इसमें दो क्वेश्चन किए थे, दो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन एक किया था और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट किया था। हमें क्वेश्चन दिया गया था, उसको हमें इक्वेशन के तौर तरीके से बताना था कि इसको इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे, एक क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। बाधाएं समझ में? देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, हमने कहा था कि अगर हम एक्स का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एक्स का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, एक वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो फिर कितने वैल्यूज निकल सकते हैं, 2 वैल्यूज। वो कैसे निकालते हैं हम, वो मैंने कल बताया था आपको। एक होता है जहां हम मिडलटर्म ब्रेक करते हैं, जहां हम मिडलटर्म ब्रेक करते हैं। दूसरा होता है जहां हम क्या करते हैं, जहां हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मेथड कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको कल बताया। हमें इसमें कुछ पार्ट्स भी बाकी हैं, वो पार्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा। हमें हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, फिर आपको इसी तरह आएगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड समझ, कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं किसी इक्वेशन का। ठीक है, चलो बताइए क्वेश्चन क्या है आज, क्या है पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट कौन सा है आज, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है ना, बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। शाबाश। टू फाइंड द इंटीजर, देखो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था अगर आपको वैल्यू निकालना है, जो आपको बता रहा है कि ये निकालो, आप हमेशा वही एक्स लगा करो, चाहे किसी की एज हो, चाहे किसी की मतलब लैंग्वेज या ब्रेड के बारे में बोल रहा है, या आपको नंबर के बारे में बोल रहा है, आप पहले वो एक्स दिया करो, फिर उसी के हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, चलो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो क्या करना है हमें यहाँ पे, दो कंसेक्यूटिव नंबर होता है वो जो एक दूसरे के बाद आते हैं, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ 1 एंड 2, 1 एंड 2, 2 एंड 3, ये कंसेक्यूटिव है, 3 का कंसेक्यूटिव 4 है, 5 का कंसेक्यूटिव 6 है, अगर मैं बोलूंगा 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 1 एंड 2 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, अगर मैं बोलूंगा 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 1 2 3 ये 3 कंसेक्यूटिव, 5 6 7 ये 3 कंसेक्यूटिव है ना, लेकिन ये यहां पर क्या बोल रहे हैं, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, जब मैं उनको प्रोडक्ट करता हूं, जब मैं उनको वो कितना आता है 306। देखो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लेफ्ट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर bx, उसको मैं x रखूंगा, क्या रखूंगा, सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा x प्लस 1, सेकंड होगा x प्लस 1। अगर ये मैं बड़ा वाला रखूंगा, मतलब अगर मैं बड़ा वाला रखूंगा x, यस सेकंड वाला लिखूंगा x, तो पहला वाला क्या होगा फिर x माइनस 1। ठीक है, मैं तो यहाँ पहला वाला लिख रहा हूँ तो x, सेकंड वाला खुद आएगा x प्लस 1। ठीक है, शाबाश। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये मान लिया ये 2 है, ये बड़ा नंबर है, ये 2 है, तो छोटा नंबर होगा 2 माइनस 1, 1। ठीक है, शाबाश। देखो, सेकंड नंबर,
Second positive integer. Second positive integer. X plus 1. ठीक है शाबाश. देखो प्रोडक्ट. देखो मैं ऐसे लिखूंगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन दो का प्रोडक्ट. इन दो का प्रोडक्ट किसके बराबर है? चलो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306 है ना. x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0. ठीक है चलो यहाँ पे देख लेते हैं. a क्या है? a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. a है 1. b क्या है? b भी 1 है. c क्या है? माइनस 306 यानी a b c. ठीक है फिर हम क्या लिखते हैं? d. D किसके बराबर होता है? D होता है इसके बराबर. B स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a. चलो हम लिखेंगे D इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है देखो D इज इक्वल टू B स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 into माइनस 306. ठीक है शाबाश. D इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर वो 1 ही है. माइनस और माइनस हो गया प्लस 4 इंटू 306. जब हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे वो आएगा 7 2 8. बात आई समझ में? शाबाश. ये आएगा D इज इक्वल टू 7 2 9. D इज इक्वल टू 7 2 9. चलो हम देखते हैं x किसके बराबर होते हैं. x किसके बराबर आता है? माइनस बी. ये भी फार्मूला याद रखनी है. एक आपको ये फार्मूला याद रखनी है. दूसरी तो एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ. आधे लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac. आधे लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac. क्या लिखते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac. वो तो डी ही है. बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो यहाँ डी लिखो. बात आई समझ में? बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो यहाँ डी लिखो. मैं लिखूंगा यहाँ पे डी क्योंकि दोनों तो बराबर है. दोनों तो बराबर है. डिवाइड हो गया 2a 2. ठीक है शाबाश. ये x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू क्या है? देखो b का वैल्यू है 1 प्लस माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ d का वैल्यू क्या है? 7 2 9 डिवाइड बाय 2 into 1. ठीक है अब आप सोच रहे होंगे कि प्लस माइनस 1 क्यों आ रहा है. देखो स्टूडेंट्स जब भी हम किसी का रूट लिखते हैं प्लस माइनस 1 जरूर लिखना होगा. यहाँ तो वो प्लस का स्क्वायर हो सकता है या माइनस. बात आई समझ में? फॉर एग्जांपल अगर मैं 16 देखूं माइनस 4 स्क्वायर वो भी 16 है. प्लस 4 स्क्वायर वो भी 16 है. लेकिन अगर मैं 16 का रूट निकालूं वो प्लस 4 भी हो सकता है वो माइनस 4 भी हो सकता है. इसलिए जब मैं रूट डालता हूँ वो प्लस भी हो सकता है या माइनस भी. बात आई समझ में? शाबाश. देखो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 7 to 9. जब हम इसका रूट देखेंगे यानी 7 टू 9 किसका स्क्वायर है? वो 27 का स्क्वायर है. किसका? 27 डिवाइड बाय 2 1 2. ठीक है मैं लिखूंगा यहाँ पे इधर देखो स्टूडेंट्स यहाँ तो यहाँ पे माइनस होगा यहाँ तो यहाँ पे प्लस होगा. ये चाहे प्लस हो या माइनस हो ये चेंज नहीं हो जाएगा. ये मैं इसकी बात करूँ जो बीच वाला है ना. मैं ऐसे लिखूंगा x इज इक्वल टू माइनस 1 पहले मैं लिखूंगा माइनस 27 डिवाइड बाई 2. 27 माइनस ये माइनस 28 डिवाइड बाई 2 माइनस 14. क्या माइनस 14 हो सकता है? अगर यहाँ पे बोल रहा था कोई भी इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बोल रहा है, अगर पॉजिटिव इसने नहीं दिया था क्वेश्चन में तो फिर मैं माइनस 14 भी लगता. लेकिन इसने पहले ये बताया पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव जब मैंने x पॉजिटिव इंटीजर लिखा तो x में माइनस 14 लिख सकता हूँ क्या? नो. इसका मतलब है नेगेटिव रिजेक्ट. नेगेटिव इज रिजेक्टिव. इसका मतलब है x का वैल्यू माइनस नहीं निकल सकते हैं. चलो और मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू माइनस 1 ये पहले मैं माइनस लिखा अब प्लस लिखूंगा 27 डिवाइड बाय 2 ये 26 डिवाइड बाय 2 वो आएगा 13. क्या 13 हो सकता है? हाँ इसका नंबर इसका मतलब फर्स्ट नंबर वो है 13. सेकंड नंबर वो है 14.
चलो नोट डाउन इसको करो। देखो स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में गलत हुआ था, सॉरी स्टूडेंट्स फॉर दैट। 7 to 9, 7 to 9, 7 to 8 नहीं है। अगर मैं इनका ये देखूं, इनका प्रोडक्ट देखो, इनका प्रोडक्ट देखो, वो आएगा 1 24, कितना आएगा 1 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4, ये 1 2 2 5 1 2 2, इसका मतलब है डी कितना आएगा 1 2 2 5 1 2 2 5। जब मैं 1 2 2 5 अंडर रूट देखूं, वो 35 आएगा, क्या 35, इसका मतलब है ये तो -35 -35 -1, ये कितना आ गया -36 वो आएगा -6, माइनस रिजेक्ट हो गया, माइनस रिजेक्ट हो गया, ठीक है 36, ठीक है, डिवाइड बाय 2 वो आएगा 18, वो आएगा -18, माइनस नेगेटिव रिजेक्ट, नेगेटिव इज रिजेक्टेड। x इज इक्वल टू -1 प्लस, नहीं सॉरी, प्लस 35 27 के बजाय 35 लिखा करो, ठीक है 35 में से एक ये 34 आएगा, 34 डिवाइड बाय 2 वो 17 आएगा, ठीक है शाबाश। इसका मतलब है एक नंबर क्या आएगा 17, दूसरा आएगा 18, ठीक है नेगेटिव इज रिजेक्टेड, 17 और दूसरा आएगा 17 प्लस 1 18, ठीक है चलो नोट डाउन इसको करो। चलो स्टूडेंट्स बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन's mother's age is 26 older than him. The product of their ages in years. 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. देखो स्टूडेंट्स, हमें रोहन's present age निकालनी है। यहाँ पर हमें रोहन भी दिया गया है और मदर भी दी गई है ना? मदर की एज और रोहन की एज है ना? किसको मैं एक्स रखूंगा? मैंने आपको बोला था जो छोटा होगा वही मैं ऐसे लिखूंगा, लेट रोहन्स भी एज भी एक्स प्रेजेंट एज। फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज, वो मैं एक्स रखूंगा, क्या रखूंगा एक्स, लेकिन साथ तो है इयर्स, एक्स इयर्स। देखो स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर मैं प्रोडक्ट करूं, प्रोडक्ट करूं किसका प्रोडक्ट है, मतलब रोहन और रोहन की माँ का, जो उनकी एज है, मतलब इसकी एज और रोहन की माँ की प्रेजेंट एज नहीं, 3 साल के बाद। चलो मैं पहले लिख लेता हूँ, रोहन मदर एज क्या होगी, रोहन मदर एज, मदर एज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज 26 देखो ये बोल रहा है कि रोहन की एज जो है, जो रोहन की मदर की प्रेजेंट एज है, वो उससे 26 ओल्डर है। अगर ये एक्स है उसकी एज, तो एक्स प्लस 26 होगी। प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट एज की बात आई समझ में। फिर क्या बोल रहा है कि जब 3 साल के बाद हम देखेंगे इसकी एज और इसकी एज, फिर उन दो एज को प्रोडक्ट करूंगा मैं, मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा प्रोडक्ट करके, 3 0 6 6 3 6 3, यानी ऐसे मैं लिखूंगा आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर पहले मैं देखूंगा 3 साल के बाद इसकी एज क्या होगी, इसकी क्या होगी आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर रोहन एज, रोहन एज क्या है, रोहन एज एक्स प्लस मदर एज एक्स प्लस 26 प्लस 3, एक्स प्लस 29 26, और 3 फिर ऐड करो वो आएगा 29, यानी ये प्रेजेंट एज नहीं है, ये 3 साल के बाद एज है, बात आई समझ में। फिर यही क्वेश्चन बोल रहा है
कि अकाउंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब मैं इन दो को प्रोडक्ट करूंगा वो आएगा 360 यानी x + 3 x + 29 = 360 3 ठीक है ये हो गया। चलो मैं इन दो को प्रोडक्ट करता हूं, इन दो को प्रोडक्ट करता हूं, देखो आसान तरीका प्रोडक्ट करने का ये हो गया x और x क्या है x स्क्वायर 3 * 29 क्या हुआ 3 * 29 क्या हुआ 87 बात आई समझ में शाबाश। फिर क्या बीच की टर्म आ गई, बीच की टर्म कैसे लिखेंगे 29 प्लस 3 हो गई 32 वो मैं ऐसे लिखूंगा प्लस 32 और एक साथ आपको समझ आया मैंने बीच की टर्म कैसे लिखी। पहले इन दो को इंटो किया, फिर इन दो को इंटो किया, फिर बीच की टर्म इन दो को ऐड किया 29 प्लस 3 32 फिर एक बीस साल देखा ठीक है शाबाश इज इक्वल टू 360 इज इक्वल टू 360। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हमें इक्वेशन कैसे बनानी होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब है ये भी इसी तरह करेंगे इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 87 प्लस 360 ये माइनस 360 इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273 इज इक्वल टू जीरो यही आएगा 273 ठीक है शाबाश। देखो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे असल में हमें जो भी ये क्वेश्चंस दिए गए हैं तो जो भी कल किया एक आज एक किया और ये वाला क्वेश्चन और इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी है हमें इतना ही तक करना था मतलब रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन बनाना हमको वो तो किया है लेकिन मैं इसलिए ब्रॉड कर रहा हूँ मैं भी कल आपको ये बोल रहे हैं क्वेश्चन कि इसकी एज भी निकालो इसकी एज भी निकालो फिर तो एक्स का वैल्यू डेफिनेट निकालना है ये तो इसलिए मैं ब्रॉड करता हूँ कि आपको उससे अलावा भी आए उससे ठीक है बात आए समझ में। चलो हम क्या लिखेंगे चलो मुझे यहाँ पर ही बताओ ए क्या है ए तो वन है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन बी क्या है बी तो 32 है सी क्या है -273 चलो डी का वैल्यू लिख लेते हैं बी स्क्वायर -4ac ये क्या है 32 का स्क्वायर 32 का माइनस 4 -273 ठीक है 32 का स्क्वायर 1024 माइनस माइनस हो गया प्लस 4 × 273 कितना है कितना है 4 × 273 जरा कैलकुलेटर यूज करो 1092 है 1092 इसका मतलब है डी क्या निकला देखो 1024 1092 इनको ऐड करेंगे ये कितना आएगा इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 24 हो गए 6 92 हो गए 2116 ठीक डी कितना निकला 2116 इन दो को मल्टीप्लाई किया ऐड किया सॉरी ऐड किया नाउ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाय 2a चलो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस सीधा वैल्यू लिखेंगे माइनस बी क्या है 32 ये रहा लिखूंगा मैं 32 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2116 डिवाइड बाय 2 × 1 मैं ऐसे लिखूंगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस माइनस 2116 ये 46 का रूट है 46 का रूट है ठीक है डिवाइड बाय 2 × 1 = 2 अब मैं लिखूंगा इधर यहाँ तो यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ तो माइनस आएगा इधर माइनस 32 प्लस मैं ऐसे लिखूंगा माइनस 32 प्लस 46 डिवाइड बाय 2 है ना 46 में से 32 घटा कितना आएगा x वो आएगा 14 क्या आएगा 14 डिवाइड बाय 2 वो 7 वो 7 और x is equal to x is equal to minus 32 minus 46 divided by 2
है ना, वो क्या आएगा, वो 8, वो 7, माइनस 78 डिवाइड बाय 2 यानी -34, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि x को हमने एज रखी है, किसी की एज नेगेटिव है ही नहीं, है ना। इसका मतलब है नेगेटिव इज रिजेक्टेड, नेगेटिव इज रिजेक्टेड, नेगेटिव इज रिजेक्टेड। इसका मतलब x का क्या वैल्यू हो सकता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 इयर्स। सो रोहन इज 10 इयर्स, एज इज इक्वल टू 7 इयर्स, 7 इयर्स प्रेजेंट एज देखनी है, प्रेजेंट एज। और मदर की क्या एज है प्रेजेंट एज, 7 + 26 कितना है, 34 33। ठीक है, बात आई समझ में? चलो नोट डाउन इसको करो। चलो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, ठीक है, देखो क्या करना है, क्या निकालना है, क्या दिया गया है। देखो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे, इसमें क्या है, इसमें हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। मैं तो वही पहले एक्स रखूंगा, बाद में देखेंगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन, मैं लिखूंगा लेफ्ट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन वो मैं एक्स रखूंगा, क्या रखूंगा, एक्स मीटर पर सेकेंड, यही तो निकालना है मुझे। चलो अब मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। एक ट्रेन है, उसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 484 किलोमीटर पर आवर, यानी उसको एक डिस्टेंस कवर करनी है 484। ये तो हमें पता है। अगर मैं उसकी स्पीड कम करूंगा, टाइम तो ज्यादा लगेगा डिस्टेंस कवर करने में, ये तो उम्र बात है, किसी की स्पीड में कम करूंगा टाइम क्या लगेगा, अगर टाइम में ज्यादा करूंगा, यानी सॉरी अगर मैं स्पीड ज्यादा करूंगा टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम करूंगा टाइम ज्यादा लगेगा। डिस्टेंस पर तो असर ही नहीं होगा, डिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट है, ये तो फिर भी 480 है, वैसे भी 480 है, चाहे स्पीड कम करो चाहे स्पीड ज्यादा करो, ठीक है। शाबाश, क्या बोल रहा है ये, चलो मैं देखूंगा पहले डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, डिस्टेंस डिस्टेंस कवर करनी है कितनी, डिस्टेंस कवर करनी है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, ये किलोमीटर पर आवर में लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो टाइम टेकन टी वन में लिखूंगा, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस 480, स्पीड डिवाइड बाय स्पीड है, एक्स डिवाइड बाय स्पीड है, बात आई समझ में। चलो फिर क्या आपको, अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, देखो ये बोल रहा है कि मैंने स्पीड कितनी कम की, 8 किलोमीटर लेस, यानी मैं लिखूंगा व्हेन स्पीड, व्हेन स्पीड इज डिक्रीज्ड, इज डिक्रीज्ड टू 8 किलोमीटर, टू 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ये बोल रहा है जब मैंने स्पीड कितनी कम की, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो मुझे कितना ज्यादा टाइम लगता है, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, इट विल टेक 3 आवर मोर, टेक 3 आवर मोर, इसका मतलब है न्यू स्पीड भी आएगी, न्यू टाइम टेकन भी आएगा। जरा मुझे बताओ न्यू स्पीड क्या होगी, न्यू स्पीड, पहले स्पीड क्या रखा था मैंने, x, मैंने इसमें कितना कम किया, यानी x माइनस 8 है न्यू स्पीड, है ना। टाइम कितना ही रखा था मैंने, टी वन, अब क्या कितना लगेगा, मतलब तीन घंटे ज्यादा, तीन घंटे न्यू टाइम टेकन, न्यू टाइम टेकन वो कितना आएगा, टी वन प्लस 3, लेकिन टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस तो वही है 480 डिवाइड बाय स्पीड, इस वजह से स्पीड प्लस 3 है ना, t1 प्लस 3 किसके बराबर है, 480 डिवाइड बाय, इसको मैं इक्वेशन सेकंड रख लेता हूं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। शाबाश, ये t1 इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाय x माइनस, चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट
एंड सेकेंड वी गेट वी मुझे बता टी वन कितना है 480 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8 एक्स माइनस ठीक है चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन दो को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ठीक है ये कितना आएगा 480 प्लस 3 एक्स डिवाइड बाई एक्स यहाँ पर भी 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8 एक्स माइनस चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं यहाँ पे ये इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है ऐसे मैं लिखूंगा 480 इंटू एक्स 480 इंटू वो आएगा 480 ऑफ एक्स ठीक है चलो 480 इंटू 8 480 इंटू 8 चलो 8 से 480 को मल्टीप्लाई करेंगे ये पहले प्लस ये माइनस ही होगा 480 को 8 से मल्टीप्लाई 8 जीरो सर हो गया 0 8 हो गया 64 84 हो गया 32 रोज 6 कितने हो गए 38 कैरी का 6 है ना ये मल्टीप्लाई इन दो को मल्टीप्लाई किया देखो आप इन दो को 3x * 2x वो हो गया 3x ठीक है 3x ठीक है शाबाश 3x * 8 वो हो गया -24 x = 480 इंटू एक्स 480 इंटू वो हो गया 480x 480 है ना अगर मैं 480x यहाँ पे देखूं यहाँ पे भी प्लस 480x इन ये दो हो गए कैंसिल ये वो दो हो गए मैं क्या लिखूंगा सीधा पहले 3x क्या है फिर -24x फिर -3840 ये कितना आएगा जीरो है ना चलो 3 को इससे भी डिवाइड करते हैं 3 को कॉमन निकालते हैं निकालना मतलब डिवाइड करेंगे जब 3 को इससे डिवाइड करेंगे ये x स्क्वायर बनेगा 24 को 3 से डिवाइड करेगा वो 8x इसको 3 से डिवाइड करेगा जरा इसको 3 से डिवाइड करो 3 1 3 है ना 3 2 6 3 2 यहां पे कितने बचे 24 3 8 24 3 0 ये हो गया ये a कितना है 1 b कितना है 8 c कितना है 1 2 8 0 मुझे बता d निकालना आएगा x निकालना आएगा x के कितने वैल्यू निकलेंगे 2 पॉजिटिव और नेगेटिव को कैंसिल करेंगे है ना क्यों क्योंकि x क्या रखा है स्पीड स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती ठीक है शाबाश आएगा करना ये आप खुद करेंगे उसी के तरीके से जो हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं पिछले जो जैसे हम उनको हमने सॉल्व किए हैं वैसे इनको भी सॉल्व करना है ठीक है चलो आज के लिए इतना ही है दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़